ईमानदारी और मेहनत ऐसी आदत है, अगर किसी को लग गई तो वो कभी ज़िंदगी में मायूस नहीं होगा और सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर करेगा। आज की दुनिया में अगर कोई मेहनत और ईमानदारी से पैसे कमा रहा है तो उससे बढ़कर कोई नहीं। मैंने हमारे स्कूल में देखा था, गरीब बच्चों की फ़ीस माफ़ की जाती है, उन्हें गवर्नमेंट तरह तरह के स्कॉलरशिप देती है। हमारे स्कूल में जो पेरेंट्स गेट पर गाड़ियाँ लगा कर आते हैं और बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन उनके हाथ में होते हैं, वो भी इन स्कीमों से फ़ायदा उठाने को देखते हैं। आप ही सोचिए, क्या ये हराम नहीं है? क्या ऐसे किसी हकदार का हक नहीं मारा जाएगा? आप पढ़े लिखे हैं, सब फॉर्म भर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट को उल्लू बना सकते हैं। क्या आप किसी का हक मार सकते हैं? आप किसको फंसा रहे हैं? क्या आप अल्लाह को फंसा सकते हैं? वो तो लतीफ़ुल खबीर है। आपकी की हुई एक एक बारीक चीज़ को आपके सामने लाकर रख देगा हिसाब के दिन। हमें तो चाहिए कि अल्लाह ने जो हमें एजुकेशन और समझदारी दी है, इससे हमें उन गरीबों के फॉर्म भर के उनकी मदद करनी चाहिए जो सही मानों में इन स्कीमों के हकदार होते हैं। अगर पेरेंट्स ही ऐसा काम करेंगे तो सोचो बच्चों पर क्या असर होगा। गरीब से गरीब इंसान भी अपनी ईमानदारी और मेहनत से दुनिया का सबसे अजीम इंसान बन सकता है। मेहनत और ईमानदारी का फल देर से सही लेकिन मिलता ज़रूर है। आइए मैं आपको एक पंजाब के गरीब फैमिली के छोटे से बच्चे के बारे में बताती हूँ, जिसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया है। वो किसी इनाम को पाने के लिए ये नहीं कर रहा था, बस उसके संस्कार ही ऐसे हैं। ਕੀ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਆ ਭਾਈ? ਬੋਲ ਬੜੀਆਂ ਬੋਲ ਗੱਪੇ ਕੁਝੇ ਛੋਲੇ ਪਾਪੜ ਉੱਪਰ ਬੋਲਦਾ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ ਕੇ ਕੋ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੋ ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। वीडियो आया, मैं देखा सी। मैंने एक वीडियो में देखा कि 10-12 साल का एक छोटा सा बच्चा सड़क पर गोलगप्पे की रेहड़ी लगाकर बैठा है। एक शख्स उस बच्चे से कुछ पैसे लेने के लिए कहता है, लेकिन बच्चा पैसे लेने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं अपनी कमाई खाऊंगा, मैं उसे 5 लाख रुपए का अनुदान दे रहा हूँ। 1 लाख ग्रांट मैं दे रहे हैं। ये हैं अमृतसर के मनप्रीत सिंह। घर की माली हालत ठीक न होने की वजह से 13 साल के मनप्रीत साइकिल पर खाने की चीज़ें बेचते हैं। उन्होंने अपने वायरल वीडियो का किस्सा हमें बताया। मैं कार का शीशा खड़का के पूछा, भाजी भुजे छोले ले लो, कुछ पापड़ वगैरह ले लो। कहते पुत्र पैसे तो नहीं चाहिए, तो वो उदा पैसे ले लो। मैं उदा पैसे ले लेने, मैं अपनी मेहनत ही कमाई दे लेने। सुबह शाम खाने का सामान बेचने वाले मनप्रीत ने ये भी बताया कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। मैं पुलिस बनना चाहता। मनप्रीत के पिता लॉकडाउन में अपनी नौकरी गंवा बैठे। घर चलाने के लिए उन्होंने स्नैक्स बेचने शुरू किए, जिसमें उनका बेटा भी शामिल हो गया। हम घर में बनाए हुए पापड़ वगैरह बेचते हैं। इसने कहा कि पापा मैं भी बेचूंगा। मुझे गली में बताया गया कि तुम्हारे बेटे को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 5 लाख का अनुदान दिया है, मैं इन पैसों से अपने बेटे बेटी को पढ़ाऊंगा। अल्लाह ने हमें जो सलायत दी है, इससे हमें गरीबों की और हकदारों की मदद करनी चाहिए और ईमानदार और मेहनत से अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। वक्त बुरा है तो ईमानदारी से मेहनत करना, वक्त बुरा है तो ईमानदारी से मेहनत करना, और अच्छा है तो किसी की मदद करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, अल्लाह हाफिज़।